अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम कटिंग से ग्रो करेंगे टर्टल वाइन को और वंडरिंग जियो प्लांट को, इन दोनों को। मैं इनकी इनको हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी, इसलिए कि ये प्लांट हैंगिंग बास्केट्स में ही बहुत खूबसूरत लगता है। और आप देखिए कि किस तरह ये नीचे की तरफ मूव करता है। ये कटिंग से ही ग्रो किया है और अब देखिए आप कितना अच्छा हो गया है। जब कटिंग से हम ग्रो करते हैं तो पहले ये अंदर की तरफ पूरा फैल जाता है, उसके बाद इसके प्लांट्स निकल के नीचे की तरफ मूव करते हैं। अगर हम ज़्यादा इसकी कटिंग लगाते हैं, लिहाजा मैं छोटी छोटी कटिंग्स लगाऊंगी। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है और इसको हम शेडी प्लेस में रखते हैं, यानी जहाँ पर इंडायरेक्ट सनलाइट आए, अच्छी इंडायरेक्ट सनलाइट आए। लेकिन अगर हम धूप में रखते हैं तो ये प्लांट जल जाता है। और इसकी छोटी से छोटी कटिंग जैसे मैंने कहा कि लग जाती है, बिल्कुल इसी तरह वंडिंग जू प्लांट जो है उसकी भी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। असल में इन जो प्लांट होते हैं इनके हर नोड पर से रूट निकलती है। तो अगर हम इनकी सिर्फ नोड के इतना पोर्शन, जैसे इतना पोर्शन है ना, इतना इतना पोर्शन हम लगा दें तो हमारे वहीं से आराम से रूट्स भी निकलती हैं और वहीं से ये प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है। मैंने वंडिंग जू की बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं और ये देखिए ये भी सारी कटिंग्स ही लगाया हुआ है और मैं मजीद कटिंग लगा रही हूँ, इसलिए कई बास्केट्स तो इसके तैयार कर लेते हैं हम लोग इस तरह से कटिंग लगा के। कुछ तो है और कुछ मजीद मैं तैयार करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए जो मैंने देखी ये सॉइल ली है, एक में वंडिंग जो लगाऊंगी, एक में टर्टल वाइन लगाऊंगी। आप ये देखिए कि ये जो मैंने सॉइल ली है इसके अंदर तीन चीज़ लगी हुई है, एक सैंड है, कोकोपीट है और इसके अंदर कंपोस्ट डाली हुई है। इन दोनों के अंदर मैंने सक किया है और इसकी छोटी छोटी सी मैंने यहाँ से ब्रांचेस ले ली हैं और हाथ लगाते ही ब्रांचेस टूट भी जाती हैं ना बहुत ईजिली। और आपको दिखाऊँ, देखिए इन सबों के अंदर रूट्स बननी शुरू हो जाती हैं, हर कोने पर एक नोट पर एक रूट बन जाती है। आप ये देखिए यहाँ से ये रूट बननी शुरू हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, रुके जरा से चेक कर लूँ किधर से, जैसे कि ये पोर्शन है ना, यहाँ नोट का पोर्शन, यहाँ से रूट निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो हर पोर्शन से रूट निकलनी शुरू हो जाती है बहुत इजीली, इसीलिए हम इनके हर छोटी से छोटी ब्रांच हमारी लग जाती है। अगर आप पूरी ऐसी ब्रांच लगाएंगे ना ऐसे, तो ये एक ही ग्रो करेगी। लेकिन अगर हम छोटी छोटी कटिंग लगा देंगे तो ये बहुत सारी बन जाएंगी। तो चले हम इसको लगाते हैं और मेरे पास ये बहुत सारी छोटी छोटी देखिए कटिंग्स हैं तो हम इनको लगाते हैं। अच्छा, करना कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बहुत इजी ग्रो कर जाते हैं। अब देखिए जैसे ये रूट्स निकल लगे, देख रहे ये नोट से ये रूट निकल लगे, तो हम इसको ऐसे बस लगा देंगे, इससे करके लगाते हैं, इसको ऐसे करके इसको ऐसे रखेंगे। अगर आप रख भी देंगे ना ऊपर से तब भी ये आराम से इसमें रूटिंग शुरू है, मतलब इसमें से रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। बस ऐसे ऐसे करके आप इसको रखते रहिए, बहुत ज़्यादा प्रेस भी ना कीजिए, बस ये ऐसे करके। अब ये जो मेरी है इसके भी मैं कटिंग कर लेती हूँ, काट लेती हूँ ऐसे, ठीक है, ये वाली पोर्शन ये निकाल देती हूँ, ये और ये हम यहाँ पर हल्का सा ऐसे करके यहाँ पर ऊपर रख देंगे। इस तरीके से सारी कटिंग्स हम लगा लेंगे ईजिली और फिर इनमें इनको लगा के पानी डालेंगे। जब पानी बहुत सारा नहीं डालना है, ठीक है, पानी हमें बहुत सारा नहीं डालना है। अगर हम बहुत सारा पानी डालेंगे तो हमारी कटिंग्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी, इसीलिए पानी हमें कम डालना है। देखिए ये किया मैंने, नीचे का थोड़ी सी एक ये लीफ निकाल दिया और इसको ऐसे करके इसमें ऐसे रखा और ये ऐसे लगा दिया। बस इस तरह से आप हैंगिंग बास्केट में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इस तरह लगाएं, लेकिन चूँकि मैं इसमें लगा के फिर लगाऊँगी तो इसलिए मैंने इसको लगा दिया। मुझे किसी को देना भी था ये, उन्होंने मुझसे कहा था तो मैंने कहा चले एक दो मैं बड़ी लगा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है देखिए वंडिंग जू भी ऐसे ही लगाया जाता है। इसकी आप यहाँ से एक ब्रांच कट कर लीजिए तो ये यहाँ से निकलनी, इसके नीचे का लीव निकाल दीजिए और वेल ड्रेन आप सॉइल लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया ये मैंने वंडिंग जू लिया इसको, और इसको भी हमें सिर्फ इतना पोर्शन अंदर डालेंगे और बल्कि ये भी निकाल देते ना, टच ना करेंगे, इसको ऐसे किया और इसको ऐसे लगा दिया ये बस। और बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा पटक देते, बहुत ज़्यादा इसको हमें दबाना नहीं है, बिल्कुल प्रेस कर दें आप इस तरह। यहाँ से आप कटिंग लीजिए, ये यहाँ से लीजिए, ये वाला आप ये निकाल दीजिए और इसको भी आप ऐसे लगा के इसको शेडी प्लेस में रखना है। अच्छा, ये दोनों ही प्लांट ऐसे हैं जो शेडी प्लेस में रखेंगे हम, ताकि ये अभी लग जाए इनकी, और बाद में भी हम इनको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, थोड़ी ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ मॉर्निंग की अगर आधा घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आ जाए, वो भी सर्दियों की तो चल जाएगा, लेकिन गर्मियों की तो बिल्कुल भी नहीं। अब हाँ, इनडायरेक्ट सनलाइट आए
तो उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। देखिए कुछ नहीं करना हमें, ये करना है ठीक है, ये कर लिया हमने। और फिर हम इसमें डाल देंगे ये थोड़ा थोड़ा सा पानी, एक दफ़ा पानी डाल के अब जल्दी पानी नहीं डालेंगे जब तक ये थोड़ी सा ड्राई ना हो जाए ठीक है। ये हमने डाल दिया है तो बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बस आपको वेट करना है, इसको हिलाना जुलाना ज़्यादा नहीं है, बस आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इसके अंदर से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे और ये हमारा प्लांट लग जाएगा। इसको आप छोटे छोटे से लगा कर, और ये जो बाकी सारी मेरी है मैं इन सबों को भी लगा दूँगी दूसरे पॉट्स में, और फिर सब में ही इस तरह बहुत ईजीली हमारे ये प्लांट लग जाएगा। जब ये लग जाएगा फिर हम इसको हैंगिंग बास्केट में लगा देंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैं हैंगिंग बास्केट में जब लगाऊंगी तो मैं आपको उसके बारे में ये बताऊंगी कि ये हमारा प्लांट अब कितना ग्रो कर गया है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।